कलीलन वाली अल्लाह अकबर शाद फरमाया कि थोड़ा हंसा करो ज्यादा रोया करो सिबा को हंसते हुए देखा तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे तक अल्लाह की अमान नहीं पहुंची और तुम हंस रहे हो अर्ज की हुजूर इसका कुफारा तो फरमाया इसका कुफारा यह है कि जितना हंसे हो इतना ही तुम्हें रोना पड़ेगा मैं और आप जरा अपनी जिंदगी पर गौर व तदब्बुर करें हमारी जिंदगी में हंसना ज्यादा है या रोना ज्यादा है सवेर से लेकर शाम तक कह कहे ज्यादा हैं ठट्ठे ज्यादा हैं मजाक ज्यादा हैं लतीफे ज्यादा हैं या इबारतें ज्यादा हैं तफक् ज्यादा है, है तदब्बर ज्यादा है सोच बेचार ज्यादा है याद लाही में तड़पना ज्यादा है आंखों से याद खुदा में बहने वाले आंसू ज्यादा हैं या गफलत से फूटते हुए कह कहे ज्यादा है मुझे और आपको अपनी जिंदगी का जरूर मुआव करना चाहिए ठट्ठों से मजाक से हमारी मजरसें भरपूर होती हैं हम दिन में जितना हंसते हैं क्या उसका दसवां हिस्सा भी हम तनहाई में बैठ के अल्लाह की याद में रोते हैं अगर ऐसा है तो मुबारक हो और अगर ऐसा नहीं है तो अल्लाह से आंसू मांगो अल्लाह से दर्द मांगो उसकी याद में रोना मांगो उसके जिक्र में तड़पना मांगो उसकी मोहब्बत में बेताबियाँ मांगो आंसू मांगो सिसकियाँ मांगो तड़पने फड़कने की तौफीक दे दिले मुर्तज़ा सोज सिद्दीक दे उसके हुजूर अर्ज़ करो के मालिक हमें तड़प दे हमें सोजो गदाज दे हमें कैफो सुरूर की दुनिया नसीब फरमा दे हमारी आंखों को आंसुओं का जमाल अता कर दे और अगर हमारी आंखों में आंसू नहीं है हमारे पास कह के ही कह के हैं कहते हैं जो हंसता हुआ गुना करेगा वो रोता हुआ जहनम में जाएगा और जिसने यहाँ दुख से तकलीफ़ें सही आलाम से उसके बदले में अल्लाह तक वहाँ राहतें अता फरमाएगा फरमाया कि मोमिन के, के पाँव में कांटा भी चुभे तो अल्लाह जल्ला शाहू इसका सिला भी उसको कयामत के दिन अता फरमाएगा तो ये जो तफक्त हैं ये जो दुख आते हैं ये जो तकलीफें आती हैं मसायब आते हैं मुश्किल आती हैं अजीतें हमें पहुँचती हैं तो इस पर सब्र करना चाहिए और अल्लाह का शिक्र अदा करना चाहिए कि हम इन मसाइब से गुजर रहे हैं इन मुश्किलों से गुजर रहे हैं और अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में दुख है ही नहीं सुखी सुख है तो फिर वह समझे कि वो फितने में मुब्तला है इसलिए ज़िंदगी के अंदर ये आने वाली तकलीफ़ें ज़िंदगी में मिलने वाले दुख अजियतें ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर एक इनाम है और अल्लाह ताला जल्ला शान हु उसके बदले में हमें आखिरत में सिला अता फ़रमाने वाला है तो फरमाया वजुल ज़क्र फादतना हो वो शख्स जिसने तन्हाई में बैठ के अल्लाह का जिक्र किया अल्लाह को याद किया और फिर क्या हुआ तो मैं उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे तो मेरे और आपके आको ने फरमाया कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा याद इलाही में रोने वाले को अल्लाह अपने अर्श का ठंडा सायाता फरमा देगा तो ये रोना बहुत बड़ी दौलत है ये बहुत बड़ी शादत है किसी की तीस साल किसी की चालीस बरस किसी की पचास साल किसी की साठ साल जिंदगी यहाँ मौजूद लोगों में से किसी की इससे भी ज़्यादा और किसी की कम इस आयत करीमा को ज़रा अपने ऊपर वादत करें तो अल्लाह हमें नसीब कर दे कि हमारे दिल तेरे खौफ से कांप उठे और तेरी खैशियत से हमारे दिल लर्ज़ उठें और कुरान के साथ हमारा रब मज़बूत और मस्तकम हो जाए और हम ये इकरार करते हुए तेरे हुजूर हाजिर हो जाएं मालिक वो वक्त आ गया है कि हमारे दिल तेरी याद से तेरी मोहब्बत से तेरे प्यार से माला माल हो गए और अपनी बाकी ज़िंदगी हम तेरे प्यार में तेरी मोहब्बत में और तेरी याद में बसर करेंगे हरीसे पाक में आता है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के खौफ से रोया और अल्लाह के खौफ से रोने की वजह से उसकी पलकों के बालों में से एक बाल की जड़ गीली हो गई तो कयामत के दिन वो बाल खड़ा हो जाएगा अल्लाह या तो मुझे निकाल ले या इसे जन्नत अता फरमा दे तो अल्लाह जल्ला उस बाल को तो आंख से नहीं नोचेगा बल्कि उस शख्स को अल्लाह जन्नत अता फरमा दे अल्लाह अकबर गुनागार की आँख का पानी अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देता है इसलिए हमें रोने का कहा गया हजरत फजैल बिन अयाज बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे जवानी का जमाना था तो एक खातून से आशनाई हो गई मोहब्बत का रब्त कायम हो गया तो ज़ाहिर जवानी मस्तानी होती है और जुनून का एक शोबा कहा गया है जवानी को और फिर दिल में इस तरह के रुझान पैदा हो जाए तो फिर वो जुनून कई गुना बढ़ जाता है तो उसके साथ वक्त तय किया और उसके मिलने के लिए बेताबी के साथ उन घड़ियों का उन लम्हों का इंतजार करने लगे खैर जब वो वक्त आया तो उसके घर की तरफ चले और उसके घर की दीवार फलांगने लगे थे कि साथ वाले मकान से किसी कार्य कुरान की तिलावत की आवाज कानों में पड़ी और वो पढ़ क्या रहा था अलम यानुख्शा क्या अहले ईमान पे वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र अल्लाह की याद उसकी मोहब्बत में तड़प उठें और वो खौफ खुदा में मुबतला हो और जो नाजिल हुआ कुरान उस कुरान की मोहब्बत में उसके दिल में खशियत पैदा हो बस ये कानों में पढ़ने की देर थी कि दोबारा गली में छलांग लगाई और कहा मेरे ऊपर वो वक्त आ गया है और जंगलों को रोते हुए निकले और हजरत फजैल बिन अयाज फिर वलियों के इमाम करार पाए इस आयत ने उनकी जिंदगी बदल दी